जय श्री राम, बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। मेरा नाम नीतेंद्र चौबे है, मैं बागेश्वर धाम से आया हूँ, पूज गुरुदेव भगवान का चरण सेवक हूँ। कथा का आयोजन जो है अपना, कथा का आयोजन है अपना 11 सितंबर से 18 सितंबर तक पूज गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम सरकार के पावन सानिध्य में होने जा रहा है, जो काशी विश्वनाथ में और यहाँ पे धर्म संघ में जो आयोजन होगा, जो पितृपक्ष में पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए आयोजन होने जा रहा है। ये आयोजन काशी विश्वनाथ में पहली बार हो रहा है। ये 11 सितंबर से 18 सितंबर तक आयोजन है, इसमें पूज्य गुरु भगवान द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का हम आप सभी रस स्वादन करेंगे। इसमें साथ है 13 तारीख को और 12 तारीख को इंटर पे दरबार है, दरबार के साथ साथ 178 का श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ भी होना है, और 11 से 18 तक भागवत कथा का हम आप सभी स्वागत करते हैं। कथा का आयोजन ये अपना जो धर्म संघ है, यहीं पर धर्म संघ में ही हो रहा है। जी, बात की जाए तो कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी जी, कोरोना के मरीज जो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे अभी पिछले 2 साल से, इसके पहले भी जो कोरोना की महामारी हुई है, तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने बहुत से कोरोना की दवाई, बहुत से लोगों का इलाज भी किया है, और जो ठीक हुए हैं बागेश्वर बालाजी की कृपा से। और सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि यज्ञ करने से जो शुद्धता होती है, तो उससे वायु शुद्ध होती है, इस कारण से जो भी हमारे मरीज हैं वो धीरे धीरे कम होते हैं। तो निरंतर पूज्य गुरुदेव भगवान सनातन धर्म के कार्य के लिए और कोरोना जैसी महामारी के लिए कार्य करते हैं। कथा के लिए श्रोताओं के लिए ये कहेंगे कि कथा जो श्रोता का ये सौभाग्य है, और भगवान विश्वनाथ की पावन नगरी में गुरुदेव भगवान का आगमन हो रहा है। विश्वनाथ भगवान के ऐसी चरणों में बागेश्वर बालाजी का आगमन हो रहा है, ये अद्भुत सौभाग्य है और अद्भुत मिलन होगा दोनों के बीच में। कथा में 5,000 लोगों की व्यवस्था हो रही है, और आगे भी पंडाल लगाया जा रहा है, तो हो सकता है 10,000-15,000 लोगों की व्यवस्था हम कर रहे हैं, क्योंकि हम 15,000 लोगों की व्यवस्था लेके चल रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव भगवान की कथा में तो लाखों लोग आते हैं, तो अपन 15,000 से 20,000 लोगों की व्यवस्था लेके यहाँ पे चल रहे हैं। हाँ, 15,000 तो कम है, क्योंकि वो ऐसी कृपा है बागेश्वर बालाजी की और गुरुदेव भगवान की कि लाखों भक्त उनकी कथा में पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था को लेके ही चलेंगे, सीमित लोग को ही यहाँ पर हम आमंत्रित करेंगे। यहाँ हम एंट्री की व्यवस्था करेंगे, यहाँ पर बाहर भी हम LED वगैरह का सुविधा कर रहे हैं, बाहर भी लगा रहे हैं, हर जगह LED भी लगा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को लाभ पहुँच पाए ये हम सुविधा कर रहे हैं। इसके लिए हमें आप सभी का सहयोग है, आप सभी हमारे जिसको चौथा स्तंभ बोला जाता है भारतवर्ष का, वो है आप सभी भी साधारण आमंत्रित हैं इसमें,